नमस्कार दोस्तों, आरएस मिश्री की रिपोर्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने टॉपिक में फंडामेंटल का वो है बैट सो। दोस्तों इसका दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं आज बैट सो को दूसरे नाम से भी जानते हैं आल सो नोन है प्रेशर सो या प्रेशर अल्सर। ठीक है दोस्तों, बैट सोल को प्रेशर सोल के नाम से भी जानते हैं, प्रेशर अल्सर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आती है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बैट सोल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है दोस्तों, कि बैट सोल क्या होता है, बैट सोल की डेफिनेशन क्या है। इंजुरी टू द सेल एंड टिश्यू ड्यू टू प्रेशर एंड फ्रिक्शन। दैट इज इंजुरी टू द सेल एंड टिश्यू ड्यू टू प्रेशर और फ्रिक्शन। प्रेशर एंड फ्रिक्शन, और सेल और टिश्यू को क्या हो जाना, इंजुरी हो जाना। सेल और टिश्यू, कोशिका और उत्तक दोनों की क्या हो जाती है, इंजुरी हो जाती है। इसकी वजह से प्रेशर की पड़ने की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से उसे कहते हैं बैट सोल। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर बैट सोल दूसरा नाम था प्रेशर सोल या अल्सर सोल। बैट सोल क्या होते हैं, इंजुरी टू द सेल एंड टिश्यू ड्यू टू प्रेशर एंड फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, अब पूछता है कारण क्या क्या होते हैं, कॉज इज ऑफ बैट सोल, बैट सोल होने के कारण क्या है। दोस्तों पहला होता है, वो होता है प्रेशर। एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी कॉज क्या है, प्राइमरी कॉज पूछता है, वो होता है प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज क्या होता है, वो होता है प्रेशर। एग्जाम पूछा कि प्राइमरी कॉज क्या है, वो होता है प्रेशर। ठीक है दोस्तों, और इंपेयर सर्कुलेशन भी होता है, इंपेयर सर्कुलेशन की वजह से भी होता है। प्राइमरी कॉज पूछा, प्राइमरी कॉज कौन सा था, प्रेशर सोल, उसके बाद इंपेयर्ड सर्कुलेशन और फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर लगातार फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से भी क्या होगा, बैट सोल हो जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से भी बैट सोल होगा, पहला था प्रेशर, उसके बाद था इंपेयर्ड सर्कुलेशन, फ्रिक्शन, फिर मॉइस्चर की वजह से भी होता है, एडिमा की वजह से भी होता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से भी हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से भी क्या हो सकता है, बैट सोल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ कारण पूछता है प्राइमरी कॉज क्या है बैट सोल होने का, वो है प्रेशर, इंपेयर्ड सर्कुलेशन है, फ्रिक्शन है, मॉइस्चर है, एडिमा है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये होते हैं एडिमा बैट सोल होने के कारण। दोस्तों अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, लाइंग डाउन इन सेम पोजीशन फॉर लॉन्गर पीरियड। उसके बाद क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर और बोनी क्रोनिस, इसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू को क्या होगा, इस्कीमिया होगा, इंपेयर्ड ब्लड सप्लाई रहेगी। ब्लड सप्लाई और क्या हो जाएगा, बैट सोल। ठीक है दोस्तों, इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे है, अगर अपन बहुत टाइम तक एक पोजीशन में लेटे हैं, लॉन्ग लॉन्गर टाइम तक क्या एक पोजीशन में लेटे हैं,
तो अपनों को प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा टिश्यू में, स्की में होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी और क्या हो जाएगा पेशेंट को, बेड सोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी। टाइप कौन कौन से होते हैं कि बेड सोर कितने प्रकार के होते हैं, ये तो यहां से सवाल बनता है एग्जाम में, सवाल यहां से बनता है कि बेड सोर के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला होता है वो होता है फर्स्ट टाइप, फर्स्ट या डिग्री फर्स्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो वो स्किन की लेयर होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर की स्किन वो अफेक्ट होती है, ब्लूश कलर हो जाता है स्किन। कैसे कलर होता है? ब्लूश कलर हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है और रेडनेस, एडी रेडनेस हो जाती है एडी के अंदर। एग्जाम पूछता है दोस्तों कि एपिडर्मिस लेयर पे वेट सोल कौन सी डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री होता है, ब्लूश कलर हो जाता है, ब्लू कलर की स्किन हो जाती है, ब्लैक कलर हो सकती है, रेडनेस एडी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है टाइप डिग्री, टाइप टू डिग्री सेकेंड, ये सेकेंड डिग्री वेट सोल होता है। इसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर, दोनों लेयर क्या होती है दोस्तों अफेक्ट। अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछता है एपिडर्मिस डर्मिस लेयर किसके अंदर अफेक्ट होती है, वो होती है टाइप टू डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसका टाइप थर्ड या डिग्री थर्ड, इसके अंदर दोस्तों तीनों लेयर एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर, सबकुटेनियस टिश्यू ये क्या होते हैं, ये अफेक्ट हो जाते हैं फुल थिकनेस हो जाती है, फुल थिकनेस। और इस टाइप का बेड सोर है उसको बोलेंगे हम थर्ड डिग्री बेड सोर। अब एक और बेड सोर हुआ टाइप फोर, टाइप फोर डिग्री फोर, डिग्री फोर है तो उसमें क्या होगा, बोनी प्रोमिनेंस एरिया, बोन बोन विजिबल, बोन विजिबल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, टाइप फर्स्ट में एपिडर्मिस लेयर दिख रही थी ब्लूश कलर का, ब्लैक कलर का, रेडनेस एरिया। ठीक है दोस्तों, टाइप टू है डिग्री एपिडर्मिस और डर्मिस, और टाइप थ्री में एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर, सबकुटेनियस टिश्यू फुल थिकनेस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टाइप फोर है उसमें क्या बोन दिखने लग जाती है, ये होती है बेड सोर के प्रकार, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। दोस्तों आप पूछते हैं इसके लिए स्किन कौन सी यूज करते हैं, यहां से सवाल बनता है बेड सोर को असिस फोर बेड सोर, असिस फोर बेड सोर, बेड सोर को असिस करने के लिए कौन सी स्किन यूज करते हैं दोस्तों, यहां से सवाल बनता है वो होती है बेड सोर के लिए ब्रेडन स्किन यूज करते हैं। कौन सी दोस्तों? ब्रेडन स्किन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बेड सोर को असिस करने के लिए कौन सी स्किन यूज करते हैं, वो करते हैं हम ब्रेडन स्केल। किसको? बेड सोर प्रोसेस करने के लिए हमने क्या यूज किया? ब्रेडन स्केल का यूज किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर ब्रेडन स्केल के अंदर नो आ रहा है तो क्या है? वेरी सीवियर, वेरी सीवियर स्केल। अगर 10 से 12 है तो क्या है? वो सीवियर स्केल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर 13 से 14 है तो मॉडरेट होता है, मॉडरेट रिस्क होता है। अगर 15 से 18 होता है तो होता है माइल्ड रिस्क होता है, माइल्ड रिस्क होता है। 19 से ज्यादा है तो वो क्या होता है? नॉर्मल होता है।
नो नो रिस्क होती है। ठीक है दोस्तों, यहां सवाल बनता है अगर नो है तो वेरी हाई सीवियर रिस्क होती है, ये वाली नो नंबर पे। 10 से 12 है तो सीवियर रिस्क है, 13 से 14 है तो मॉडरेट रिस्क है, 15 से 18 है तो माइल्ड रिस्क है और 19 है तो नो रिस्क है। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगर प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं कि अगर पेशेंट को बेड सोर हो गया उसके बाद हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर का प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो दोस्तों याद रखना अगर पेशेंट बेड सोर पे है तो उसको क्या करें, चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर। अगर हर 2 घंटे से क्या पेशेंट को पोजीशन चेंज करनी होती है, हर 2 घंटे से इन बेड, अगर बेड अगर पेशेंट है तो कितने घंटे से पोजीशन चेंज करनी होती है, हर 2 घंटे से पोजीशन चेंज करनी होती है दोस्तों। किसके लिए, बेड सोर को प्रिवेंट करें। अगर पेशेंट चेयर पर है, चेयर पेशेंट ऑन चेयर, चेंज द पोजीशन एवरी 15 मिनट। अगर पेशेंट चेयर पर है तो 15 मिनट के हिसाब से पोजीशन चेंज करनी होती है, तो चेंज द पोजीशन का एवरी 2 आवर्स इन बेड पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पेशेंट चेयर पर है तो 15 मिनट के हिसाब से पोजीशन चेंज करते हैं। दोस्तों अब बताए ट्रीटमेंट हम बेड सोर होगा ट्रीटमेंट क्या यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ट्रीटमेंट के अंदर दोस्तों नॉर्मल सलाइन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल सलाइन हम यूज कर सकते हैं किसके, बेड सोर के अंदर। और विटामिन सी का भी यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल सलाइन यूज किया, विटामिन सी यूज कर लिया। और यार बोलता है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो दोस्तों 100 वाट का होता है, इसको 100 वाट का होता है कि कौन सा जो वोल्ट 100 वाट का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता है, उसको 45 to 60 सेंटीमीटर पेशेंट से दूर रखते हैं, याद रखना। ठीक है, और 15 मिनट के लिए क्या करते हैं उसको 15 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल सलाइन यूज किया, विटामिन यूज किया, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब यूज किया, 100 वाट का यूज किया, 45 से 60 मिनट अगर लगते हैं 15 मिनट के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब ये हमारा आज आपको मैंने बेड सोर एक थोड़े से कम टाइम के अंदर अच्छा समझाने की कोशिश की, और आपको ये चीज बेड सोर अच्छे समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।